आपको भी पता है कि पूरा खेल मोबाइल में रैम का ही होता है। अगर आपके फोन में कम जीबी रैम है तो आप अपने फोन को अच्छे से यूज नहीं कर सकते हो, अपने फोन में कोई भी हाई ग्राफिक्स का आप गेम नहीं खेल सकते हो, जैसे कि बीजीएमआई नहीं खेल पाओगे, कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेल पाओगे, कोई भी अच्छा गेम आप नहीं खेल सकते हो। नॉर्मल गेम आप डाउनलोड करके खेलोगे ना, फिर भी आपका फोन क्या करता है, लैग करने लगता है, रुक रुक के चलने लगता है, जिससे आपको आपका फोन यूज करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। हीटिंग की प्रॉब्लम भी जल्दी आने लगती है। अगर आपके फोन में सिर्फ और सिर्फ 2GB रैम है तो आप एक बार BGMI या कोई भी हाई ग्राफिक्स का गेम डाउनलोड करके देखो, डाउनलोड ही नहीं होगा। अगर गलती से डाउनलोड भी हो गया ना तो उसके बाद आगे जो होगा ना वो आप खुद ही देख लेना। फोन इतना बेकार हीट होने लगेगा और रुक रुक के चलने लगेगा, फोन कहीं पे भी रुक जाएगा, किसी को कॉल करने लगोगे या कहीं पे भी आपका फोन लैग हो सकता है। तो ये सबसे बचने के लिए आपको अपने फोन में रैम को बढ़ाना पड़ेगा। और आपको भी पता है कि रैम को बढ़ाने के लिए हमें कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन आपको मैं सिर्फ सेटिंग बताऊंगा, जिस सेटिंग को यूज करने के बाद आप अपने फोन में रैम को इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। बस इतना सा काम आप लोगों को कर देना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से आप रैम को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे दो तरीका होता है रैम को इंक्रीज करने का। एक तो आपके फोन में एक सेटिंग मिल जाता है जहां से आप अपने फोन में रैम को इंक्रीज कर सकते हो, वो होता है एक्सटेंडेड रैम। ये सिर्फ और सिर्फ महंगे फोन में ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका सस्ता फोन है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2GB रैम मिलता है तो उसमें ये सेटिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके फोन में ये सेटिंग नहीं है तो फिर भी आप रैम को इंक्रीज कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे स्किप करके मत जाना कि मेरे फोन में तो सेटिंग नहीं मिलेगा, मैं कहां से रैम को इंक्रीज करूंगा। आप भी रैम को इंक्रीज कर सकते हो। आपको भी एक सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसके फोन में एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन नहीं होता है, वो भी अपने फोन में रैम को बढ़ा सकते हैं। पहले मैं एक्सटेंडेड रैम के बारे में बता देता हूं। सिंपली आपको फोन के सेटिंग में जाना है। जैसे आप फोन के सेटिंग में जाते हो, यहां पे रैम और रैम वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप रैम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पे आप देखोगे एक्सटेंडेड रैम करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहां पे लिखा रहता है जो आपका स्टोरेज है ना उसे क्या किया जाता है। जब आप इसे ऑन करोगे ना तो यहां पे 4GB तक आपके स्टोरेज को जो है रैम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहां पे रैम एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि एक्सटेंडेड रैम यानी कि जो स्टोरेज होता है उसे ये रैम में कन्वर्ट कर देता है जैसे आप इस सेटिंग को ऑन करते हो। तो यहां पे मैं वही बताने वाला हूं कि आप कैसे जिस फोन में ये सेटिंग नहीं है उसमें भी स्टोरेज को रैम में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो भी आप लोगों को बता देता हूं। ये तो एक्सटेंडेड रैम का हो गया। अगर आपके फोन में एक्सटेंडेड रैम है तो आप इसे ऑन करके रैम को बढ़ा सकते हो। अगर एक्सटेंडेड रैम नहीं है तो कैसे बढ़ाओगे उसे भी आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा, जो वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आप कहां से डाउनलोड करोगे। पहले आप ये समझ लो कि कैसे आप रैम को बढ़ाओगे अगर आपके फोन में एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो जैसे एप्लीकेशन को आप ओपन कर लेते हो तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहां पे आप देख सकते हो 512MB एक बार में आप रैम को इंक्रीज कर सकते हो, 512MB। तो यहां पे जैसे 512 हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट स्वैप वाला जो ऑप्शन है उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहां पे आपको छोटा सा ऐड देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्री की एप्लीकेशन है, यहां पे आपको कोई पेड वर्जन नहीं है, इसकी वजह से छोटा सा ऐड देखना पड़ेगा। तो हम यहां पे ऐड को स्किप कर देते हैं। जैसे ही ऐड को स्किप करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, एक पॉपअप ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके स्टोरेज को क्या किया गया है, 512MB रैम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुल क्रिएटेड, फिर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपका 512MB जो है वो स्टोरेज रैम में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि आप एक बार में 512MB यानी कि दो बार में 1GB रैम को बढ़ा सकते हो। अगर आप 4 बार करते हो तो आपका डायरेक्टली 2GB रैम बढ़ जाता है। अगर आप इसे 8 बार करोगे तो आपके फोन में टोटल 4GB रैम को बढ़ा सकते हो एक बार में, यानी कि यहां पे आपके फोन में जितना स्टोरेज खाली होगा, जितना स्टोरेज होगा उतना ही आप रैम को बढ़ा सकते हो। अगर आप सोचोगे कि थोड़ा सा स्टोरेज खाली है रैम को ज्यादा बढ़ा लूं, तो यहां पे आपके फोन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप
रैम को नहीं बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आपके फोन में एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप इस ट्रिक को यूज करके अपने फोन में रैम को बढ़ा सकते हो। यह भी काफी कमाल का ट्रिक है, आपको फोन को रूट नहीं करना पड़ेगा, विदाउट रूट किए आप अपने फोन के स्टोरेज को रैम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक कर देना है।